डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना। चलिए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। चलिए अब जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रचलित देवता विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है जो एक दिव्य और कुशल शिल्पकार थे। उन्हें श्रमिकों, कारीगरों और कलाकारों का संरक्षित देवता माना जाता है जो देवताओं के हथियारों, रथों और शहरों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई योजना है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसकी समय अवधि 5 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। चलिए बात करते हैं इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य की। अपने हाथों एवं टूल से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित प्रथा को मजबूत और पोषित करना। इस योजना का लक्ष्य कारीगर उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है, जिससे विश्वकर्मा को उनके शिल्प के लिए घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जा सके। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी पात्रता मापदंड पर। तो पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिक इसके पात्र हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, नाई, माला बनाने वाले आदि। ऐसे 18 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। इसमें ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे आधुनिक औजारों और उपकरणों तक पहुँच का अभाव, उनके कार्य के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, उनके शिल्प के लिए प्रासंगिक बाजारों से भौगोलिक दूरी, उनके व्यापार में निवेश के लिए पूंजी की सीमित उपलब्धता। ये योजना विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समूहों सहित हाशिए पर रहने वाले और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को लक्षित करती है। योग्य व्यक्तियों में वो लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पारिवारिक परंपराओं या प्रशिक्षुता के माध्यम से अपना कौशल हासिल किया है। अब बात करें इसके संभावित लाभ की। तो ये योजना श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और उनकी कमाई में सहायता के लिए आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा श्रमिकों को मुफ्त में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद श्रमिकों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी। उन्हें 5% की रियायती ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए पहली किस्त और 2,00,000 रुपए दूसरी किस्त तक संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट सहायता दी जाएगी। ये योजना कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी। अपने क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों पर श्रमिकों के ज्ञान में सहायता के लिए वीडियो तत्वों के साथ 12 भारतीय भाषाओं में एक टूल किट पुस्तिका भी जारी की गई है। इस योजना के तहत 2 प्रकार के कौशल कार्यक्रम होंगे, यानी बुनियादी और उन्नत, और कौशल प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई योजना है। दूसरा कथन, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और तीसरा कथन, इसके तहत श्रमिकों को 5% की रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता दी जाएगी। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।